पन्ना जिले के शाहनगर पुरेना स्थित हाई स्कूल के छात्रों की अचानक तबियत बिगड़ने की वजह से सभी 6 बच्चों को शाहनगर स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में ले जाया गया, जहां से उन्हें प्रथम उपचार देने के बाद कटनी के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल सभी बच्चों की सामान्य स्थिति बताई जा रही है। इन बच्चों को ऐसा अचानक क्या हो गया जिससे इन सभी बच्चों की अचानक तबियत बिगड़ने लगी, जिसकी सूचना पर स्थानीय एसडीएम मौके पर पहुंची और इन सभी बच्चों को कटनी जिला अस्पताल लाया गया। ये सभी बच्चे फिलहाल सामान्य बताए जा रहे हैं। जैसे ही ये सूचना कटनी कलेक्टर अभी प्रसाद को मिली, इन बच्चों के हाल चाल देखने कटनी कलेक्टर जिला अस्पताल पहुंची और इन सभी बच्चों की ड्यूटी डॉक्टर से जानकारी ली। फिलहाल सभी बच्चे सामान्य बताए जा रहे हैं। क्या पाया गया है अभी तक और क्या हालत उनकी, कहाँ से? बच्चों के भी लक्षण सामान्य हैं, ऐसे किसी मतलब बीमारी के लक्षण ज्यादा नहीं, घबराहट ज्यादा है और मौसमी सर्दी जुकाम जैसे लक्षण सामान्य पाए गए। क्या फूड पॉइजनिंग वगैरह? फूड पॉइजनिंग जैसे लक्षण अभी तो नहीं पाए गए हैं। तो सर क्या 6-7 बच्चों को एक साथ ऐसे सिस्टम देखने को मिल रहे हैं? इस एज ग्रुप में जनरली अगर आपस में सहेलियां हैं तो मतलब मानसिक स्तर और तनाव की वजह से हो सकता है। अभी बच्चों की क्या स्थिति है? अभी सामान्य, सबको एडमिट कर लिया। हाँ, सभी को। लगभग कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे। क्या इलाज दिया जा रहा है? किस ट्रीटमेंट? सीवियर ट्रीटमेंट लक्षण के आधार पे दर्द के इंजेक्शन है और कुछ मतलब आईवी फ्लूइड दे रहे हैं। क्या थोड़ा डिहाइड्रेशन के लक्षण है? क्या नाम सर? डॉक्टर मनीष मिश्रा, एमडी पीडियाट्रिक्स। पन्ना जिले के शाहनगर का ये मामला है। क्लास 10th के 5 बच्चे हैं, क्लास 9th के 1 बच्चा है, कुल 6 बालिकाएं हैं इसमें। जो घटना अभी तक पता चली है, अभी हमारे चिकित्सक परीक्षण कर रहे हैं, घटना ये पता चली है कि एक बच्ची ने कुछ घबराहट को महसूस किया और उसको देख के बाकी बच्चियों को भी जो है थोड़ी घबराहट लगी। अभी 6 बच्चियां जो हैं वो स्थिर हैं, किसी प्रकार के उनमें लक्षण नहीं हैं और हमारे चिकित्सक जो हैं उनका परीक्षण कर रहे हैं। किसी प्रकार की फूड पॉइजनिंग वगैरह? फूड पॉइजनिंग की हमने जाँच कर ली है, फूड पॉइजनिंग नहीं पाई थी। सर ये अचानक एक साथ 7 बच्चों को एकदम से तबीयत बिगड़ना भी? ये 6 बच्चे तबीयत नहीं बिगड़ी है, जैसा कि मैंने बताया अभी कि एक बच्ची ने घबराहट महसूस की जी। और अब वो भी स्थिर है, लेकिन किस कारण से उसने अचानक घबराहट महसूस करी इसका परीक्षण जो है अभी किया जा रहा है। जी ठीक है। बच्चों भी थोड़ा सा, ये पन्ना जिले के शाहनगर के अंतर्गत पुरेना में हाई स्कूल है, उसकी बच्ची है। इसमें कुछ डॉक्टर साहब ने भी जांच कर ली है, वहाँ भी हॉस्पिटल में प्राइमरी जांच की गई है। बच्चियाँ थोड़ी घबराई हुई हैं, ठंड का मौसम है, हो सकता है घर से भी कुछ ज़्यादा खाकर नहीं आई हो, तो थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो गई है और घबराहट है। बाकी उनका बीपी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, ऐसी कोई वैसी बात नहीं। क्या मैडम, एक साथ जैसा कि बताया जा रहा है कि आज ये शमशान मतलब शमशान घाट भी है जिससे अब देखिए, ये तो ऐसी बात है कि स्कूल है, अब वो स्कूल भी काफ़ी समय से बना है, नया स्कूल तो अभी बना नहीं है कि तुरंत बनाए। और ये जरूर है कि गांव की आबादी में कुछ जगह शमशान के लिए निस्तार के लिए अलग से रहती है, तो साइड में है एक, तो उससे लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। पहले भी कभी कोई ऐसा मैटर नहीं है। किस स्टैंडर्ड की है? किस क्लास? ये सब 9वीं और 10वीं की छात्राएँ हैं, कुल 8 छात्राएँ थी जिनको ये समस्या हुई थी, जिसमें से 2 छात्राएँ बिल्कुल नॉर्मल है जो शाहनगर में ही है, 6 छात्राएँ थोड़ी सी ज़्यादा घबराई हुई थी तो उनको कटनी रेफर कर दिया। अनकॉन्शियस हैं कि डॉक्टर्स ने क्या बताया? नहीं, वो उस समय थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन अभी डॉक्टर बोल रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल है, 1-2 घंटे में एकदम नॉर्मल हो जाएगी, बस अंडर ऑब्जर्वेशन। पहले कभी घटी क्या दोबारा? नहीं, ऐसा उस स्कूल में कभी नहीं हुआ है, पहली बार। बाकी और जाँच का भी विषय है, हम वो भी करवाएंगे। जाँच दल भी हमने गठित कर दिया है स्कूल में जाकर। शुभ नाम बता दीजिए, पद क्या है? मेरा नाम रचना शर्मा है, पन्ना जिले में एसडीएम शाहनगर पद। स्कूल आई थी बच्ची, तो हाजी समय पता नहीं 10-15 मिनट बाद उनको क्या दिक्कत हो गई। पहले एक को हुई परेशानी, फिर दूसरी को हुई, फिर तीसरी को हुई, फिर चौथी को हुई, पांचवीं, छठवीं, सातवीं पहुँच गई। तो ऐसे कितने बच्चे टोटल? टोटल बच्चे 7 लोग हैं। आपको कब पता चला ये? हमको फ़ोन गया मैडम जी का हाई स्कूल। हाँ, क्या है, हमारी भाई की बच्ची है, मौके में पिताजी नहीं है, हम लोग थे, हम लोग आए वहाँ से, तो जब तक एसडीएम तहसीलदार की गाड़ी आ गई। बच्चे कुछ खाए आए हैं क्या स्कूल में? अब ये पता नहीं क्या खाए हैं, कुछ जानकारी तो दिए होंगे हमको? नहीं, कुछ मैडम ने कुछ बताया ऐसा कि कुछ वितरण किया? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं लोग? हाई स्कूल पुरैना। में आपका क्या नाम है? ऐसे जानकारी नहीं साहब। कौन सा जिला लगता है? खराब है तबियत? ये तबियत 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे जी। और जिला कौन सा है आपका? जी, कहाँ लेके गए आप लोग? शाहनगर तहसीलदार एसडीएम साहब की गाड़ी में गई, भर्ती करवाई, फिर वहाँ से रेफर कर दिए कटनी में।
क्या कौन सा जिला लगता है? मेरा नाम परवेश अली राजा। जिला कौन सा? पन्ना। कटनी से प्रवीण कुमार, पाराशूट की रिपोर्ट।